लॉकडाउन में कुम्हारों की मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की मार मिट्टी के घड़े बनाने वाले कुम्हार पर पड़ रही है। कोरोना कर्फ्यू के कारण बाजार बंद होने से बिक्री रुक गई है। साल भर से मटके की बिक्री का इंतजार कर रहे कुम्हारों के धंधे पर कोरोना की महामारी का ग्रहण सा लग गया है। ऐसे में कुम्हारों के लिए घर परिवार चलाने में रोजी रोटी का संकट आखड़ा हो गया है। इन परिवारों ने साल भर की पूंजी लगाकर और कर्ज लेकर इस उम्मीद में मटके बनाए थे कि गर्मी के सीजन में मटकों की मांग बढ़ने पर मुनाफा होगा, लेकिन इनकी आस टूटती जा रही है। लॉकडाउन के चलते ग्राहकी नहीं हो पा रही, जिसको लेकर मटका व्यापारी काफी निराश हैं। सीजन तो बहुत डाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, मतलब लोग मटके ले जा नहीं रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं और अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, तो हमारा धंधा बिल्कुल मंदा है, ठप पड़ा हुआ है। पिछली बार भी गर्मी के मौसम में लॉकडाउन लग गया था, तो कैसे क्या कर पा रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा तो यार कैसे कैसे तो करना पड़ता है, थोड़ी बहुत हो जाती है गिरा कि उससे अपना गुजारा कर रहे हैं अभी, क्योंकि लोग मटके ले जाना ही बंद हो गए हैं, तो अभी क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ नहीं होता है अभी तो, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है खर्चा पानी निकलने जैसा, हाँ पहले जैसा काम नहीं रहा है, दो साल हो गए बिल्कुल डाउन चल रहा है। मतलब कितने ग्राहक आ जाते हैं दिन भर में आपके? ग्राहक तो आते ही है, कोई भाव पूछ के चला जाता है, कोई लेके चला जाता है, स्टॉक में बस बेच रहे हैं, क्या माल निकाल रहे हैं जैसे तैसे करके। हाँ कहाँ से आके काम करता है? मैं सावन से आता हूँ। आपका कितना माल अभी यहाँ पेंडिंग पड़ा है? अभी 1.5-2 लाख का माल पड़ा हुआ है।